इसे क्या बोलते हैं बेटा, ये वाला झोपड़ी जो जैसे वहाँ लखनऊ में ऐसा दिखाई देता है, काफी अच्छा बना हुआ है। तो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक हैं और आप सबकी दुआओं से हम लोग भी ठीक हैं। तो गाइस आज है, तो फिर आज हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए। तो अभी मैं प्रकाश से मिलने आया हूँ, तो पता चला प्रकाश अपनी बाइक का सर्विसिंग करा रहा है जो कि यहाँ पर सामने है। मैं देखिए हमारे प्रकाश भाई की बाइक की सर्विसिंग हो रही है। तो गाइस बाइक सर्विसिंग हो जाए उसके बाद चलते हैं घूमने, फिर दिखाते हैं हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो गाइस आज हम लोग जा रहे हैं चित्तौरा झील, जो कि वो राजा सोहेल देव का वो गढ़ है, वहाँ पे जो राजा हुआ करते थे बहराइच के। तो वहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी, सीएम जो हमारे यहाँ के हैं योगी आदित्यनाथ जी, वहाँ तो उन्होंने हमारे यहाँ बहराइच को एक सौगात दी है कि वहाँ पे क्यों ना एक टूरिस्ट प्लेस बनाया जाए। तो काफ़ी टाइम पहले ही वहाँ पे काम शुरू हो गया था और लगभग बन चुका है। तो अभी हम दोनों गए नहीं, मतलब मैं नहीं गया हूँ, प्रकाश जा चुका है। तो ये बता रहा बहुत ही अच्छा बना है। तो आज संडे है तो क्यों ना हम लोग भी जाएं वहाँ पे देखें घूमें, और साथ ही साथ हम लोगों ने सोचा है कि एक ब्लॉग बना लेंगे जिससे आप लोग को भी दिखा देंगे। तो चलिए चलते हैं वहीं पर और दिखाते हैं कि कैसा काम हुआ है, कितना काम हुआ है, और दिखाते हैं आप लोग को भी। चलिए मिलते हैं सीधा वहीं पे। अच्छा तो फाइनली गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं और यही सामने गेट है, यहीं से होगी हमारी एंट्री। हेलो गाइज, ये हमारे महाराजा सोहेल देव के स्मारक स्थल है, जो कि यहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी का टूरिस्ट प्लेस बन रहा है, लगभग बन चुका है ये हम। और यहाँ पे काम लगभग हो चुका है, काफ़ी बन चुका है, थोड़ा ही बच्चा है। बाकी हम आगे का अपना महाराजा सोहेल देव का स्मारक दिखाने जा रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा ही बना हुआ है। एक गेट इधर इस साइड में, पूरब साइड में रहेगा, और एक ये उत्तर की तरफ रहेगा। बाकी इधर सब आप देख ही रहे हैं कि सब क्या है। तो गाइस चलिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं जो राजा सोहेल देव थे उनका यहाँ पर स्टैचू भी बना है, अभी दिखाते हैं आपको। वो वहां पे बना हुआ है, आगे चल के दिखाते हैं, यहाँ से दिख नहीं रहा है, पेड़ लगा हुआ है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं बहुत ही भारी, बहुत ही बड़ा बना हुआ है। बाकी भी और भी सुविधाएं हो रही हैं, आइए आपको और नजदीक से दिखाते हैं। देखिए गाइस काफी ऊंचाई है। क्योंकि ये पेड़ देख सकते हैं आप, ये काफी बड़ा पेड़ है, इस पेड़ से भी इसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा है स्टैचू की। और अभी फेस इसलिए ढका हुआ है क्योंकि जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इसका उद्घाटन करेंगे, इनका फेस रिवील किया जाएगा। क्यों प्रकाश, ऐसे ही तो है मामला कुछ। यहाँ बच्चों के लिए ये सब झूला वगैरह लगा दिया गया है। काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पे क्योंकि मौसम भी ठंडा है और यहाँ पे लोग भी आ रहे हैं, जब अभी इतना कम बना इतने लोग आ रहे हैं घूमने। यहाँ पर ये भाई अपना भी काम कर रहा है सीढ़ियों पे।
यहाँ पे काफ़ी लोग आए हुए हैं, जो कोई सेल्फी ले रहा है, कोई वीडियो बना रहा है, कोई क्या कर रहा है। बाकी यहाँ भी काम भी चल रहा है, वो भाई साहब पीछे काम कर रहे हैं वहाँ पे, जीने का रगड़ रहे हैं, जीने की पानी फैली पता नहीं क्या कर रहे हैं, जो पत्थर लग रहा है संगमरमर का। तो गाइस ये देखिए हमारे पीछे कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं वीडियो बनाते हुए यहाँ पे, छोनू मोनू बाबू सोना निब्बा निब्बी वाले, क्या बोला तूने? यहाँ पे कई निब्बा निब्बी भी आए हैं जो कि हम दिखा नहीं रहे हैं आपको, सब पता नहीं क्या घुटर घूं कर रहे हैं कोने में बैठ घुटर घूं। गाइस ये देख लीजिए यहाँ पे कमल के फूल भी लगे हुए हैं तालाब में, ये जो झील है। और यहाँ हमारे प्रकाश भाई अपने पोज में खड़े हुए हैं। हाँ ये कर लो, पहले बड़े लोग हैं पहले ऐसे करते होंगे। कैसा फील हो रहा है प्रकाश भैया? बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है। कैसा लग रहा है प्रकाश भाई? बहुत ही अच्छा फील हो रहा है यहाँ पे। मौसम आज बहुत मीठा मौसम है, हल्की हल्की फुहारे गिर रहे हैं मौसम के, बाकी काफी मजा आ रहा है। रात धूप में हाँ कमल ही के पास बैठे, बाकी अभी साफ सफाई चल रहा है झील की, ये हो सकता है योगी महाराज आए उद्घाटन कर दे इसका, अभी बन रहा यहाँ पे। बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है, बहुत सुकून मिल रहा है यहाँ पे। तो गाइज यहाँ पे सीढ़ियाँ भी बैठने के लिए इस टाइप की लगी हुई हैं ताकि अगर यहाँ पर अगर कोई फंक्शन होता है स्पीच देने के लिए तो यहाँ पे लोग बैठ सकते हैं। और यहीं पे सामने ही एक मंच टाइप का बना हुआ है, दिखाते हैं आपको। तो गाइज़ यहाँ पे खड़े होके आप स्पीच भी दे सकते हैं, जैसे कोई फंक्शन टाइप होता है तो, और वहाँ पे आराम से लोग बैठ कर आपके स्पीच को सुन भी सकते हैं यहाँ पे। तो गाइज़ जो ये हट टाइप का बना है इसको पता नहीं क्या कहते हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है इसके अंदर। इसको क्या बोलते हैं प्रकाश? ये बना है क्या बोला तूने? झोपड़ी, जो जैसे वहाँ लखनऊ में रिवर फ्रंट जो बना है इसी टाइप का है ना, सेम ऐसे ही है। और यहाँ से कुछ झील का ऐसा नजारा ऐसा दिखाई देता है, झील काफी अच्छा बना हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री हमारे योगी जी जो हैं उन्होंने ये बहराइच को सौगात दी हुई है, काफी अच्छा लग रहा है बनने के बाद। अभी इसमें और भी सुनने में अभी और भी काम इसको और ज़्यादा फिनिशिंग करेंगे, मॉडिफाई करेंगे जिससे ये और भी बेहतर लगेगा। यहाँ पे देख लीजिए फोटोशूट वगैरह हो रहा है, वीडियो क्रिएट हो रहा है इन लोग का। गाइस इधर पे भी काम हो रहा है, यहाँ पे भी घास लगाई जाएंगी। और ये मंदिर का बैक साइड का है, ये ऐसा कुछ दिख रहा है, ये काम चल रहा है मंदिर का भी ऊपर। गाइस यहाँ पे हम प्रकाश दोनों बैठे हैं, काफी अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा चल रही है, क्योंकि सामने ही झील है ये, और क्योंकि यहाँ पे पेड़ भी लगे हुए हैं, फिर काफी मौसम भी ठंडा है। ये देख लीजिए काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पे, बहुत लोग हैं वहाँ नीचे उतर के सेल्फी लेने, फोटो कैप्चर हो रहा है वहाँ पे नीचे। प्रकाश भाई कैसा लग रहा है? प्रकाश को तो ठंडी लग रही बता रहा है, क्यों प्रकाश? बहुत ठंडी मतलब लग रहा है, मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, सुकून मिल रहा है यहाँ पे ऐसे बैठ के। ये देखिएगा इस फोटोशूट, ओहो एक फ्रेंड और आ चुका है अपना योगेंद्र, जिसको हम लोग योगी भाई बोलते हैं।
तो भैया जी हम लोग को छोड़ के आने का कोई कारण, जब उसने बोला था कि चलो चलते हैं तो क्यों नहीं आए थे सुबह? बताओ रीजन क्या बताया? क्या रीजन था? कोई रीजन नहीं, गर्लफ्रेंड के साथ तो नहीं है? नहीं। यहाँ पे अभी भी कुछ गर्ल्स आई हुई है यहाँ पे, वो अपना वीडियो शूट करा रही हैं, जैसे देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे पीछे। तो यहाँ पे अब ऐसा प्लेस ये बन चुका है टूरिस्ट प्लेस कि यहाँ पे अब सबसे ज्यादा लोग क्या बोलते हैं इसे वीडियो शूट के लिए, जो भी आता है सबसे ज्यादा वीडियो शूट के लिए। जैसे कि हमारे प्रकाश भाई हैं, देखिए बिजी हैं। कहाँ बिजी हो? तो गाइस यहाँ पे भैया के यहाँ हम लोग बाबूलाल कैटरर्स के हम लोग टिक्की खा रहे हैं, भैया ने बना के दिया है हमें चाट। प्रकाश भाई खा रहे हैं। कैसा बना है? बहुत अच्छा बना है। तो चलिए गाइस फटाफट फिनिश करके फिर चलते। तो गाइस चलिए चलते हैं घर, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टाइम स्पेंड हो चुका है हम लोगों का यहाँ पे। तो गाइस अब जा रहे हैं हम लोग घर। तो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं गाइस आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहिए।